अब इसके बाद हम इसी तरह की और अभिक्रियाएं देखते हैं जिसमें कि कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह का हाइड्रोक्सिल समूह का निष्कासन होता है। इसमें हम देखें कि जब हम कार्बोक्सिलिक समूह की क्रिया PCl3 से कराएं, PCl5 से कराएं या फिर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराएं, तो यहाँ पर सभी स्थितियों में जो कार्बोक्सिलिक समूह का हाइड्रोक्सिल OH समूह है वह क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया हमने अल्कोहल में भी देखी थी। अल्कोहल में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं जबकि यहाँ पर हमें एसिल हैलाइड प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं हम यहाँ पर PCl5 से। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया RCOOH, जब यहाँ पर हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी क्रिया जब हम PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल OH समूह है उसका यहाँ से निष्कासन हो जाता है और यहाँ पर एक Cl समूह आकर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें एसिल क्लोराइड मिलते हैं जिनका सूत्र होता है RCOCl। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है और इसलिए यहाँ पर हमें मिलता है POCl3, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, और साथ ही साथ बनती है HCl गैस। यहाँ पर हम बता दें कि जो फॉस्फोरिल क्लोराइड है POCl3, यह द्रवित अवस्था में होता है जबकि HCl है वह गैसीय अवस्था में मिलती है। इसी तरह जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यहाँ पर हम देखें कि जो PCl3 है उसमें 3 क्लोरीन है और इसलिए हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के 3 यूनिट की आवश्यकता होती है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 यूनिट को PCl3 से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर तीनों ही कार्बोक्सिलिक अम्लों के हाइड्रोक्सिल समूह क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और इस तरह से हमें 3 यूनिट RCOCl यानी कि एसिल क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह के 3 OH समूह बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, साथ ही साथ PCl3 में से एक फॉस्फोरस जो है वह निष्कासित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें H3PO3 यानी कि फास्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर हम देखें कि जो फास्फोरस अम्ल है वह भी हमें द्रवित अवस्था में प्राप्त होता है। इसके बाद हम लें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोक्सिल समूह है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है और इस तरह से हमें मिलता है एसिल क्लोराइड। साथ ही साथ जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। इन तीनों ही अभिक्रियाओं के द्वारा हम एसिल क्लोराइड प्राप्त करते हैं, लेकिन इन सब में जो तीसरी अभिक्रिया है जिसमें कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, इस अभिक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसिल क्लोराइड है उसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं SO2 और HCl गैस, ये दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं और बड़ी आसानी से ये जो अभिक्रिया मिक्सचर है उसमें से बाहर निकल जाते हैं और हमें प्योर एसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के द्वारा हम एसिल क्लोराइड इन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें जो तीनों में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि समझते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल और जिसका सूत्र यहाँ पर हम ले रहे हैं मेथनोइक एसिड और यहाँ पर CH3C(OOH). अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो इसकी क्रिया जब SOCl2 से कराते हैं, SOCl की जो संरचना है उसमें हम देखें SOCl2 की जो संरचना है उसमें हम देखें कि सल्फर है जो कि एक डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तथा दो क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर के जुड़े हुए ऑक्सीजन है जो कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ ही साथ दो क्लोरीन परमाणु है वो भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी कि यहाँ पर जो सल्फर है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है।
तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे ही ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचता है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरी ओर हम यहाँ पर देखें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पर जो कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन है वह इलेक्ट्रॉन जोड़े खींच लेता है जिससे यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि ये जो थायोनिल क्लोराइड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दूसरी ओर यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो कि आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल समूह वाला जो ऑक्सीजन है और उस पर हमें दिखाई दे रहा है लोन पेयर। तो चूंकि सल्फर को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और इसलिए ये जाकर सीधे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर उसके साथ जुड़ जाता है और इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त होगी वो होगी आर सी डबल बॉन्ड ओ, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है H, यहाँ पर ऑक्सीजन से पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जोड़े डोनेट किए हैं, और उससे जुड़ा हुआ होगा SO और फिर दो Cl। अब यहाँ पर हम देखें कि जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसलिए अब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसे प्रोटॉन के रूप में निष्कासित कर देगा। दूसरी ओर हम देखें कि यहाँ पर जो सल्फर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े ऑक्सीजन सल्फर के बीच दे देगा जिससे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच यहाँ पर द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर द्विबंध का निर्माण होगा, चूँकि यहाँ पर एक क्लोरीन है जो कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक Cl- भी यहाँ से निष्कासित हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर H+ आयन भी निष्कासित हो रहा है। इनके निष्कासन के पश्चात जो हमें अब संरचना मिल रही है वो इस प्रकार से होगी आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ होगा ऑक्सीजन, फिर उससे जुड़ा हुआ होगा सल्फर, और जिससे जुड़ा हुआ होगा द्विबंध ओ, और साथ ही साथ सल्फर से जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर एक सीएल समूह। अब यहाँ पर हम देखें कि जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड के द्वारा ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पहले यहाँ से द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचता है और उसके बाद ये फिर से वहाँ पर बैक बॉन्डिंग करता है, और उसके बाद यहाँ पर देखें कार्बन से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है या हम कहें पूरा जो एस डबल बॉन्ड ओ सी एल समूह है वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर पूरे का पूरा समूह यहाँ से निष्कासित हो जाता है। और जैसे ही चूंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को ऑक्सीजन अपनी तरफ लेकर गया है, इसलिए ऑक्सीजन पर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जबकि कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि दो यहाँ पर संरचना में मिल रही है, एक तरफ मिल रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ हमारे पास है एस जिससे जुड़े हुए हैं दो ऑक्सीजन तथा सी एल जिसमें कि ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज। इसके पहले स्टेप में हमने देखा है कि हमने एक एच प्लस आयन और एक सी एल माइनस का यहाँ से निष्कासन किया है, तो यहाँ पर जो सी एल माइनस है वो कार्बन प्लस से जाकर जुड़ जाएगा और हमें अपना प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा RCOCl यानी कि एसिल क्लोराइड। दूसरी ओर आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े ऑक्सीजन सल्फर के बीच डोनेट कर देगा और जिससे यहां पर द्विबंध हो जाएगा, और जैसे यहां पर द्विबंध होगा अब यहाँ पर जो सल्फर से जुड़ा हुआ दूसरा क्लोरीन है वह यहाँ पर Cl- के रूप में निष्कासित हो जाएगा। जैसे ही यह Cl- यहाँ से निष्कासित होगा यह H+ के साथ मिलकर HCl बना लेगा तथा जो बचा हुआ पार्ट है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एसिल क्लोराइड तो बनता ही है, साथ ही साथ बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा HCl गैस। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया जानने वाले हैं और यह है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अमोनिया से होने वाली क्रिया। हमने पढ़ा है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं एमाइड।
यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं एथेनोइक एसिड का, जैसे यहाँ पर हमने लिया है CH3COOH, और जब हम इसकी क्रिया कराते हैं अमोनिया NH3 से, और जब हम यहाँ पर अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया दोनों मिलकर एक योगात्मक साल्ट का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर इसकी जो सूत्र हो जाएगा वो होगा CH3C OONH4+, यहाँ पर, और इस तरह से जो संरचना बन रही है उसे हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को जैसे ही हम आगे गर्म करते हैं इसमें से जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है, और जल के अणु के निष्कासन के पश्चात हमें प्राप्त हो जाता है एसेटामाइड। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अमोनिया के द्वारा क्रिया करके अमाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है बेंजोइक एसिड। जब हम बेंजोइक एसिड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो यहाँ पर भी एक योगात्मक लवण बनेगा जिसे हम कहेंगे अमोनियम बेंजोएट। यहाँ पर आप सूत्र देख रहे हैं C6H5, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा हुआ है COO-NH4+। ये एक साल्ट है जो कि हीट करने पर बहुत जल्दी ही जल के अणु का निष्कासन कर देता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा बेंजामाइड। तो इस तरह से अमोनिया के साथ क्रिया करके बेंजोइक एसिड की हम बेंजामाइड यानी कि अमाइड प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। यहाँ पर हमने लिया है एथेनोइक एसिड CH3C OOH। जैसे कि आप जान चुके हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यह कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है जिससे ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो आप जानते हैं अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास होते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर कार्बन को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसे यहाँ पर डोनेट कर देता है और उसके साथ बना लेता है बंद। तो इस तरह से हम देखें जो संरचना मिल रही है वहाँ पर है CH3CO जिसके ऊपर है एक माइनस चार्ज, और साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ है OH और कार्बन से ही जुड़ा हुआ है NH3 समूह। अब यहाँ पर जो NH3 समूह है क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जोड़े दिए हैं इसलिए इस पर नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज। अब इसे न्यूट्रल करने के लिए ये अपने एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेगा और यहाँ से प्रोटॉन को निष्कासित करेगा, लेकिन ये जो प्रोटॉन निष्कासित हो रहा है वह जो हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास होता है इलेक्ट्रॉन जोड़े, और ये इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर उसके साथ जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से यह अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उसे ले लेगा और यहाँ पर जल के रूप में निष्कासित हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संरचना है हमें प्राप्त हो रही है CH3C, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिस पर है नेगेटिव चार्ज तथा कार्बन से जुड़ा हुआ है एक NH2 समूह। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है अपने जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन जोड़े को ऑक्सीजन कार्बन के बीच दे देगा और वहाँ पर द्विबंध का निर्माण हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो अंतिम उत्पाद है वह हो जाएगा एथेनामाइड। तो इस तरह से CH3C OONH2 या जिसे हम कहेंगे एसेटामाइड ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखें बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया के द्वारा क्रिया के द्वारा हम यहाँ पर एमाइड प्राप्त कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों और अमोनिया के द्वारा एमाइड के निर्माण की क्रिया का एक और उदाहरण हम देखने जा रहे हैं, और इसमें हम ले रहे हैं एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की आप संरचना देखें तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं। जब हम इस थैलिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक योगात्मक साल्ट बनेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है
वहाँ पर अमोनिया NH3 जुड़ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर योगात्मक साल्ट बनता है और इस तरह से ये जो संरचना प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे अमोनियम थैलेट। अब इस अमोनियम थैलेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं यहाँ पर जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और इस तरह से हमें प्राप्त होता है थैलेमाइड। अब ये जो थैलेमाइड है जब हम इसको और ज़्यादा उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो दोनों एमाइड समूह NH2 समूह हैं उनके बीच में से एक अमोनिया यानी कि NH3 समूह निष्कासित हो जाता है और इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसे कहा जाता है थैलीमाइड। यानी कि यहाँ पर आप जो संरचना देख रहे हैं उसमें बेंजीन रिंग है जिसमें कि आर्थो पोजिशन पर CO समूह है और साथ ही साथ ये जो दो CO समूह हैं ये कार्बन आगे NH समूह के द्वारा आपस में नाइट्रोजन के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो संरचना प्राप्त होती है वह है थैलीमाइड और इस कंपाउंड का उपयोग हम एमाइन के निर्माण में करते हैं और इस कंपाउंड के द्वारा जो एमाइन प्रिपरेशन की क्रिया होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जिसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्लों और अमोनिया की क्रिया के द्वारा हम भिन्न भिन्न प्रकार के एमाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की उन अभिक्रियाओं को जानेंगे जिसमें कि पूरा कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि सी डबल बॉन्ड OOH भाग लेता है और इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन कार्बोक्सिलिक समूह यौगिकों का अपचयन। हमने जाना है कि जब हम अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं किसी उच्च ऑक्सीकारक के द्वारा जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या फिर हम जोन्स रिजेंट लें इनके द्वारा जब हम इनका कंप्लीट ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन करें तो हमें अल्कोहल प्राप्त होंगे। बिल्कुल सही, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम कंप्लीट रिडक्शन करते हैं और इसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनका उपयोग कर सकते हैं जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर डाइबोरेन B2H6 का भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम करते हैं अंत में प्रोटोनेशन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन करते हैं कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं प्राथमिक अल्कोहल जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है RC OH और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के कंप्लीट रिडक्शन के द्वारा हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और आइए आप जानते हैं कि इस रिडक्शन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी संरचना आप भलीभांति जान चुके हैं। यहाँ पर है RC OOH और साथ ही साथ यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसे ले लेता है जिससे उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर जो माइनस चार्ज है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर हमने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जानते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल हैं यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव होगा यानी कि H- होगा। अब ये जो H- है हम जानते हैं कि जो जब इसकी यहाँ पर हम क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो चूंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये जो हाइड्राइड आयन है वो सीधे जाकर कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त होगी वो होगी CH3CO जिस पर ऑक्सीजन के ऊपर जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है साथ ही साथ कार्बन से जुड़ा हुआ होगा एक H और एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH।
अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके आगे हम लेंगे प्रोटोनेशन। यहाँ पर हम करेंगे प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन से हमें जो हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, H प्लस आयन होगा, वो इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा, और इस तरह से जो हमें नई संरचना मिलेगी उसमें होगा CH3COH, साथ ही साथ इसमें जुड़ा हुआ है होगा एक हाइड्रोजन तथा एक और OH समूह। यानी कि ये स्थिति है जिसमें कि एक ही कार्बन से दो दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल अस्थाई होती है। तो इस स्थिति में दोनों ही हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में से जल का एक अणु यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, और जैसे ही जल का एक अणु यहाँ से निष्कासित हो जाएगा और यहाँ पर और हमें प्राप्त हो जाएगा R, जो संरचना प्राप्त होगी वो होगी CH3CH। अब चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है इसलिए कार्बन पर हो जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज, साथ ही साथ यहाँ पर द्विबंध के द्वारा जुड़ा होगा एक ऑक्सीजन। अब इस स्थिति में यहाँ पर फिर से चूंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इसीलिए फिर से जो हाइड्राइड आयन, जो कि हमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो प्रोवाइड करेगा, फिर से यहाँ पर एक हाइड्राइड आयन आएगा और वह कार्बन से जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें संरचना मिलेगी CH3CH2, क्योंकि अभी कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं तो संरचना हो जाएगी CH3CH2 और साथ में होगा O-। ऑक्सीजन पर अभी भी नेगेटिव चार्ज है इसलिए अब यहाँ पर हमें करना होगा प्रोटोनेशन। जैसे ही यहाँ पर H प्लस आएगा और यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और वैसे ही हमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वह मिल जाएगा CH3CH2OH, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के कंप्लीट रिडक्शन के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है जिसमें कि पूरा कार्बोक्सिलिक समूह भाग लेता है, वो है डीकार्बोक्सिलेशन, या जिसे हम कहें वी कार्बोक्सिलीकरण। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहां पर हम देखें कि जो वी कार्बोक्सिलेशन है उसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। ये जो डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया है उसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडा लाइम से क्रिया के द्वारा, और दूसरी है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम सॉल्ट की जब हम कोलबे के द्वारा वैद्युत अपघटन करते हैं। तो दोनों ही विधि से हमें यहाँ पर एल्केन प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो वी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया है वो है सोडा लाइम की क्रिया के द्वारा। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है CH3COONA, अब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है इसे प्राप्त करने के लिए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्षार के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलेगा और हमें प्राप्त हो जाता है लवण CH3COONA, जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट कहेंगे। तो जब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट की क्रिया हम सोडा लाइम से कराते हैं, यहाँ पर हम बता दें कि जो सोडा लाइम है एक रिएजेंट है जिसमें कि सोडा का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा लाइम से मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना। तो इस मिश्रण के द्वारा जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम साल्ट की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें जो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या उसका जो सोडियम साल्ट है उससे जुड़ा हुआ जो COONA समूह है, साथ ही साथ यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaO समूह है, ये मिलकर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन बचा है वह सीधे जाकर जुड़ जाता है एल्किल समूह से, और इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा RH। यदि हमने यहाँ पर एथेनोइक एसिड का सोडियम साल्ट लिया है तो हमें मिलेगा मेथेन CH4।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमें मेथेन मिला है उसमें एक ही कार्बन है, जबकि हमने जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट लिया था उसमें दो कार्बन थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक कार्बन की कमी आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है यहाँ पर जो एक कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं सोडा लाइम के द्वारा, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित कार्बन से एक कम कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन मिलते हैं।